focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. From 10 days, farmers' protest has been going on, and we can see behind us that Youth Congress is protesting against the anti-farmers BJP delegations. And we have with us Youth Congress. Ma'am, first of all, जानना चाहेंगे आपसे कि protest हो रहा है किस चीज़ के लिए? देखिए ये जो protest है वो किसान के समर्थन में Youth Congress आज आई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो किसानों का 10 दिन का हड़ताल है इसमें जो कृषि मंत्री का बयान आया कि मीडिया कवरेज के लिए ये करना चाह रहे हैं जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि किसान जो है वो अपनी मांगों को लेके यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं वो अन्नदाता हैं इस पूरे देश के और कहीं ना कहीं उनको अगर उनकी फसल अगर है महंगी नहीं कह रही कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा तो मुझे तो लगता है कि सरकार जो है जो किसान विरोधी सरकार है क्योंकि किसी मंत्री का ये बोलना कि मीडिया कवरेज के लिए कर रही है बहुत ही गलत बात है और हम इसीलिए यहाँ पर आज किसान के समर्थन में यहाँ पर उनका समर्थन आंदोलन से ये भी हुआ है कि सारी जो सब्जियों के रेट है वो ही बढ़ गए हैं किसान दूध बहा रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं देखिए कहीं ना कहीं जो किसान जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से ये उपजाऊ करते हैं अपने जाके किसान वो आज सड़क पे आके इसको बहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कितने तरह से सरकार से आप देखिए तो उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा है जो इस देश को चला रहे हैं हर तरीके से अगर उनकी बातों को नज़रअंदाज करके सरकार ये कहना चाहती है कि मीडिया कवरेज के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे पार्टी और हम युवा कांग्रेस और कांग्रेस तो बिल्कुल इसके खिलाफ है और हम किसान के समर्थन में आपके प्रोटेस्ट को भी एक मीडिया कवरेज का टर्म दे नहीं देखिए मीडिया कवरेज करना होता है इस प्रोटेस्ट को तो हम बड़े तंग बहुत बड़े संख्या में आते हैं हमारा एक ही सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हम उनके साथ हैं क्योंकि आधा मैं खुद हरियाणा की रहने वाली हूँ यहाँ पे हमारे हरियाणा का बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है किसानों के तो कहीं ना कहीं हम उसके दर्द को समझते हैं हम उनके समर्थन में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने कोई कवरेज के लिए नहीं है आने वाले टाइम में क्या रणनीति होगी यूथ कांग्रेस मैं दिल्ली के इंचार्ज भी हूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा बेसिक जो मुद्दा है ओवरऑल ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है किसान और जो किसान इतने आत्महत्या कर रहे हैं विमेन सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है तो इन सब इशूज़ पे डेवलपमेंट के इशूज़ पे हम दिन ब दिन भारत बचाओ आंदोलन के नाम पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगे भी हमारे आगाज जारी रहेगा I'm going to go to the hospital.